चालू हुई रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करूं? ओके। एप्पल A14 बायोनिक चिप और स्नैपड्रैगन 888 5G, कौन सा दोनों को आज कंपेयर करेंगे, किसकी स्पीड तेज है, कौन सा बेटर है, कौन सा हमें खरीदना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर इसी वीडियो में बात होगी। लेट्स स्टार्ट। दोनों प्रोसेसर के कोर्स की बात करते हैं, किसके कोर्स ज़्यादा हैं। स्नैपड्रैगन 888 के अंदर कोर आपको मिलेंगे, उसके अंदर 8 कोर्स स्नैपड्रैगन 888 के अंदर, और एप्पल A14 बायोनिक चिप के अंदर 6 कोर्स। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 आ गए हैं एप्पल बायोनिक चिप के साथ। सिंगल कोर स्कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको 1129 का स्कोर मिलेगा और एप्पल A14 के अंदर 1604 का स्कोर मिलेगा। यहाँ पर एप्पल A14 बायोनिक चिप आगे है स्नैपड्रैगन से स्कोर के, सिंगल कोर में स्कोर के। मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 को आपको 388 का आपको मल्टी कोर स्कोर मिलेगा और एप्पल A14 के अंदर 3631। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 मल्टी कोर प्रोसेसर में आगे है। रैम स्पीड की बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको रैम स्पीड मिलेगी 3200 MHz की, और एप्पल A14 बायोनिक भी 3200 MHz की ही रैम स्पीड देगी, सेम बिल्कुल स्पीड होगी इन दोनों की। कितनी MB कैच फाइल करेगा तो स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको 4 MB कैच फाइल मिलेगी और एप्पल A14 के अंदर आपको 8 MB मिलेगी, जो कि यहाँ पर एप्पल A14 कैच फाइल में ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। चिप साइज कितनी की है? चिप साइज इसमें स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको 5 nm की ही मिलेगी और एप्पल A14 के अंदर भी 5 nm की ही मिलेगी। दोनों ही सेम है चिप्स के साइज के मुकाबले में। और पावर कंजप्शन की बात करते हैं कि कौन सा बैटरी ज़्यादा खाता है और कौन सा नहीं। तो पावर कंजप्शन स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको 9 W का मिलेगा और एप्पल A14 का आपको 6 W का। यहाँ पर एप्पल कम बैटरी कंजप्ट करेगा स्नैपड्रैगन 888 के मुकाबले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, दैट्स इट।